सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, मैं अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, अपने महापुरुष के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ, जो कि 14 अप्रैल 2020 को 129वें जन्मदिन की सबको हार्दिक बधाई मुबारक हो। साथियों, जिस देश के अंदर हम रहते हैं वह भगवान गौतम बुद्ध की धरती है, वह प्रसिद्ध भी है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी बाहर विदेश में जाते हैं बौद्धिस्ट कंट्री के अंदर, तो जाकर के पहले उनके इंट्रोडक्शन में अपनी बताया जाता है कि मैं उस धरती से आया हूं जो भगवान गौतम बुद्ध की धरती भारत है। 14 अप्रैल 2020 के 129वें दिन की दोबारा से हार्दिक बधाई। उनकी जीवनी के बारे में मैं कुछ आपको अवगत कराना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिनांक 14 अप्रैल 1891 को हुआ, जो कि मध्य प्रदेश महू छावनी में हुआ, जिनके पिताजी का नाम सतपाल राम जी था, जो कि वो सूबेदार थे, जिनकी माता जी का नाम भीमाबाई था। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उम्र 6 वर्ष की हुई तो उनके पिताजी स्कूल में दाखिले के ले गए। दाखिला कराने गए तो वहाँ के अध्यापक ने दाखिले के लिए मना कर दिया कि आपका लड़के का एडमिशन नहीं हो सकता, आप अछूत हो। तभी उनके पिताजी सतपाल राम जी ने उस बात को उठा करके बोला कि यह एक सूबेदार का लड़का है, इसके एडमिशन के लिए आप मना नहीं कर सकते। मजबूरन उसने अपना लाभ उठा करके अध्यापक ने उसको एडमिशन करना पड़ा। इसलिए बात ये बतानी पड़ी क्योंकि यदि वह इस बात की जिद नहीं करते तो शायद आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाई से वंचित रह जाना पड़ता। जब बाबा साहब 6ठी क्लास में हुए तो उनसे पहले उनके साथ जो व्यवहार होते थे स्कूल के अंदर, अंदर उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, बाहर ही उनको बैठा करके पढ़ाया जाता था, परंतु वो पढ़ने में सबसे तेज थे। अध्यापक जो पढ़ाते थे उसको वो बाहर ही ग्रहण कर लेते थे। एक दिन उनके साथ जब अछूत व्यवहार होते थे, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, न मटके से हाथ लगाने दिया जाता था। एक दिन जब अपनी माता जी के सामने 6ठी क्लास में जब हुए, जो समझदार हो गए, तो उन्होंने रो करके एक बात कही कि माता जी मुझे ये बताओ मेरे साथ स्कूल के अंदर ऐसे व्यवहार क्यों होता है। तब उसकी माँ भीमाबाई ने कि गोदी में जब लेट गए भीम जी, माता जी निराश होकर के रोने लगी और रोते हुए आंखों में से आंसू उनके होठों पे गिर गया। जैसे ही होठों पे आंसू गिरे तभी भीम खड़े हो के, माता जी आप रो रही हैं क्या? कि नहीं बेटे, नहीं, बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की बात है बेटे, हमको अछूत है इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है और इसीलिए आपको मटके में से पानी नहीं पीने दिया जाता है। तभी उठ करके उसने जो माता जी का जो होठों में पानी था उसको पीते हुए कहा कि माता जी आज मैं तुम्हारे इस आंसू की कसम खाता हूं कि जब मैं इस लायक हो जाऊंगा सबसे पहले मैं पानी की व्यवस्था को दूर करूंगा सबके लिए। तभी से उनके दिमाग में क्रोध आते रहे और उन्होंने ये प्रणा करा कि मैं एक बड़ा शिक्षित बनकर के इस समाज की सेवा करना चाहता हूं। तभी से वो लग्न में लग गए। जब ही लग्न में लगने के बाद में उनको जब दसवीं क्लास तक हुए पढ़ने लगे, तभी वो बाहर से विदेश से कुछ अंग्रेज लोग आए कि भाई आप भारत के अंदर क्या पढ़ा रहे हो, उसकी हम समीक्षा करनी है। तो स्कूल में जैसे आए, आने के बाद उन्होंने स्कूल में एक प्रश्न किया कि बच्चों ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं छूना चाहता हूँ छू नहीं सकता और जिसको पाना चाहता हूँ पा नहीं सकता। सब बच्चों ने अपने अपने जवाब दिए
किसी ने आसमान बताया, किसी ने सूरज, किसी ने चंदा बताया। बाबा साहब क्लास के बाहर खड़े बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी उंगली इस प्रकार की हुई थी। जैसे ही वो बाहर निकले, कहने लगे, बच्चे क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बाबा साहब ने कहा, जी हाँ मैं दे सकता हूँ। बताइए कि सामने एक घड़ा रखा हुआ है, इस घड़े के अंदर पानी है, मैं पीना चाहता हूँ। इस घड़े में पानी मैं पी नहीं सकता, इस घड़े को मैं छूना चाहता हूँ, मैं छू नहीं सकता। तभी वो अंग्रेजों के मन में एक बात आई कि ये बच्चा को काबिलियत होगा, बहुत बुद्धिमान है। इतने जब से उनको बाबा साहब के प्रकार उसमें आने लगे और बाबा साहब जैसे पढ़ने लगे, पढ़ पढ़ के अपने यहाँ का कोर्स पूरा किया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जा करके अपना बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। उसके बाद में किसी भी ने बाबा साहब के बारे में नाम लेने से के लिए तैयार नहीं थे, परंतु उनको पता नहीं था कि उसके बीच में एक और महापुरुष पैदा हो चुके थे, जिनका जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ में पैदा हुए थे। वो भी एक दलित समाज से थे। जैसे ही वो बड़े होते रहे, पढ़ते लिखे रहे, उन्होंने बाबा साहब की किताबों को पढ़ना चालू किया और उन्होंने जब देखा कि हमारे एक महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके साथ इतने अन्याय थे, और जो एक भारत देश के कानून मंत्री पहले रहे और संविधान निर्माता रहे, उनके साथ को नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। साहब काशीराम जी वैसे नहीं थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। साहब काशीराम जी ने सब चीजों को देख करके एक प्रण किया, 1970 के अंदर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये प्रण किया कि मैं अपने पूरे जीवन भर में इस बहुजन समाज की सेवा करूंगा और बहुजन समाज को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था अधूरा, उसको मैं पूरा करूंगा। यह प्रण लिया और 5 प्रण और लिए थे कि मैं कभी पूरी भर जिंदगी भर अपने घर नहीं जाऊंगा, दूसरी कि मैं आजीवन तक समाज की सेवा करूंगा, तीसरा मैं कभी बैंक बैलेंस नहीं करूंगा, चौथा कि मैं कभी किसी के दुख और सुख में नहीं जाऊंगा, पांचवा कि मैं कभी अपना घर नहीं बसाऊंगा। और ये कहा था कि जिस समय मेरी मृत्यु हो, मेरी जो डेड बॉडी मेरे समाज को दे दी जाए, ना कि मेरे परिवार को दी जाए। बाबा साहब ने जैसे ही ताक पत्र दिया अपने, उन्होंने देखा कि एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी, उनकी स्पीच एक कॉलेज में साहब काशीराम जी ने देखा कि यह एक, इसका नाम मायावती जो लड़की है, बहुत शोभावनी लड़की है। जैसे ही उन्होंने देखा तो वो है साहब काशीराम जी मान्य बहन कुमारी मायावती जी के घर पहुंच गए। वहां जाने के बाद साहब काशीराम जी ने कहा कि मायावती क्या कर रही हो? उन्होंने बोला, आइए साहब जी, मैं IAS की पढ़ाई कर रही हूं और मैं डिप्टी या कमिश्नर को बन करके बहुजन समाज की सेवा करना चाहती हूं। साहब काशीराम जी बोले, मायावती तुम कितने बड़ी IAS या IPS बन जाना, परंतु बहुजन समाज की रक्षा नहीं कर सकते। मैं ये चाहता हूं कि आपको जो IAS और IPS आपके पीछे फाइल लेके घूमते रहे, मैं आपको वो बनाना चाहता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने उस बात को सोच विचार किया और 1977 के अंदर साहब काशीराम जी की बातों से प्रभावित होकर के अपने घर परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया और घर परिवार से नाराज होकर के उनके परिवार के भी नाराज हुए, परंतु उन्होंने अपनी
अड़से नहीं मानी, क्योंकि उनको दिमाग में ये था कि मुझे अपने बहुजन समाज की सेवा करनी है। जैसे ही उनके साथ बहन कुमारी मायावती जी काशीराम जी साहब काशीराम जी के साथ चल दी, उन्होंने एक प्रण किया था कि मैं आजीवन अपना घर नहीं बसाऊंगी, पूरा जीवन समाज की सेवा में लगी रहूंगी। साहब काशीराम जी के साथ चलते चल करके अपने कब काम में लग गए, तो साहब काशीराम जी ने पहले DS-4 बनाई, उसके बाद बाम सेब बनाई, और बाम सेब के बाद साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज को इकट्ठा पूरे देश में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 4500 किलोमीटर साइकिल पद यात्रा करके बहुजन समाज को जगाया, जगाने का काम किया, जो कि उन्होंने देखा कि आज मेरा बहुजन समाज कुछ जागरूक हो चुका है। उन्होंने एक बहुजन समाज के लिए एक पौधा लगाया। 14 अप्रैल 1984 को उस पौधा को लगाया, जिस पौधे का नाम रखा था बहुजन समाज पार्टी, नीला झंडा हाथी निशान, और कहा था कि मेरे बहुजनों ध्यान रहे, मैंने आज ये पौधा लगा दिया है, यह कभी सूख ना पाए, और इसमें जिस दिन फल अच्छी ढंग से आ जाएंगे उस दिन आप सब इसको फल को खाओगे और इसकी छाया में बैठोगे, तो उस दिन मुझे आप अवश्य ही याद रखेंगे जिसकी आज सही मायने में पेड़ की रक्षा, उस वृक्ष की रक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अपने जीते जी ही साहब काशीराम जी उनको बना दिया था। जैसे ही साहब काशीराम जी की उम्र होती रही और उनका 9 अक्टूबर 2006 को उनका देहांत हो गया, उसके बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिस समय पूरी सत्ता में 2007 में आई, तो उन्होंने अपने कार्यकाल किए और सबको दिखाया कि सत्ता के अंदर कितनी बड़ी ताकत होती है। जैसे कि लखनऊ के अंदर अपने महापुरुषों का को जागरूक करा, सबके लिए एक राष्ट्रीय दलित पर्यटन स्थल गोमती नदी भी बनाया, जैसे कि हमारे ग्रेटर नोएडा में भी बना हुआ है। दिखा दिया कि सत्ता के अंदर कितनी ताकत होती है, और साथ के साथ उन्होंने ये भी अपील करी थी बहन कुमारी मायावती जी ने कि ए मेरे बहुजनों, एक बार मिलकर के इस पौधे को हरा कर लो, इसमें वृक्ष फल आ जाएंगे तो सब मिलकर खा लेना, और अपने जो महापुरुषों को जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, एक दिन आपके इस संजोग से मुझे आशा है जरूर कि जो साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी और नीला झंडा हाथी निशान दिया था, एक दिन ये दिल्ली के लाल किले पर अवश्य लहरेगा। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज इस कड़ी को लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने दिल और जान से समर्थकों के साथ लगी हुई है, परंतु कुछ हमारे साथी हैं जो कि संगठनों से बंधे हुए हैं, मुझे उनसे कोई अपना इतराज नहीं है, परहेज नहीं है, परंतु एक अपील करना चाहता हूं कि अब वो समय दूर नहीं है, या तो पुराना समय याद रख लेना, या आगे आपको सम्मान चाहिए या मान चाहिए, ये आपका हृदय की बात है। मेरे को जितनी जानकारी थी, कोई गलती हो इसमें क्षमा करना, ये मैंने आपके सामने रखी है। किसी साथी को मेरे इन बातों से दुख हुआ हो तो भाई क्षमा करना, मैंने थोड़ी जानकारी इसलिए दी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन आ रहा है, और इस कोरोना की वजह से हो सकता है कि हमें कुछ आगे दिक्कत आए, तो इसलिए मैं पहले ही इस चीज़ के लिए सबको धन्यवाद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम।